शहर कायद का रुख करते हैं। आपको बताएं, कराची के हुकूक के लिए जंग लड़ने के लिए मुस्तफा कमाल अब मैदान में आ गए हैं। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से मार्च के लिए भरपूर तैयारियां की गई है, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं। आवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। ये बताइएगा कि एक तो खवातीन आपके साथ नहीं है, क्या लाएंगे खवातीन बच्चों को? दूसरा ये बताइएगा कि सीएम साहब तो सीएम हाउस में ही नहीं है, किससे बात करें? नहीं, मैं जरदारी साहब से बात करूंगा, मैं बिलावल साहब से बात करूंगा। मैंडेट लोगों ने पीपल्स पार्टी को दिया है, मैं पीपल्स पार्टी से बात करूंगा। मैं वजीर आला हूँ सिर्फ जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके जरिए जरदारी साहब को कहता हूं कि आप पूरे पाकिस्तान में धरने देते फिर रहे हैं, और कराची वाले जो पाकिस्तान को 70% देते हैं, सिंध को 90% देते हैं, यहाँ के लोग पानी को तरस रहे हैं। साथ अभी इन्होंने सवाल किया, अभी आप 4 बजे देखेंगे इंशाल्लाह हजारों की तादाद में या माएँ बहनें बेटियां सब मौजूद होंगी, और हम अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं। मेरी खुद की फैमिली साथ होगी, मैं अपने बच्चों के लिए पानी नहीं मांगू। इनके रेड जोन इन्होंने क्या अल्लामिया ने बनाया, रेड जोन इन्होंने बनाया है। आवाम के लिए कोई रेड जोन नहीं है। हम जाएंगे अपने बच्चों के लिए पानी और सेहत के लिए। अनीस भाई, 16 नुकात में 8 नुकात आपके ऐसे हैं जो मेयर के इख्तियारात के हवाले से, कराची के खिदमात के हवाले से। आपकी जो अपोजिट पार्टी है जिनको कल मुस्तफा कमाल ने बदतरीन दुश्मन भी करार दिया था, मुझे ये बताया आप लोगों ने उनसे रब्ता नहीं किया? हालांकि पार्टी उनकी मेयर उनका हकूक उनके फराइज, तो आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की मिलियन मार्च के हवाले से? मैं उनको पार्टी मानता ही नहीं हूँ, और मैं मेयर के इख्तियारात मांग रहा हूँ। मैं वसीम अख्तर के इख्तियारात नहीं मांग रहा, मेयर कराची का होता है, मैं कराची के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहा हूँ। नहीं, अभी तक कोई रास्ता नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे 4 से 6 के दरमियान जब यहाँ लाखों लोग होंगे, तो या तो हमारे मुतालबात मानेंगे वरना हम इनके घरों तक पहुँचेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा 6 बजे।